छठ का पवित्र त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह दिवाली के 6th डे आता है। यह बिहार, यूपी और झारखंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट भी होता है। यह बेसिकली 4 दिन का फास्ट होता है। जो पहला दिन है वो 8th ऑफ नवंबर यानी कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि से शुरू हो रहा है, जो कि आज का दिन है, यानी 8th ऑफ नवंबर से आज के दिन ये व्रत स्टार्ट किया जा रहा है। 1st डे जो होता है उसको नहाए खाए का दिन कहा जाता है। इस दिन जो व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं वह घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं, सुबह उठती हैं, नहा धो के नए कपड़े धारण करती हैं, पूरा दिन फास्ट रखती हैं और शाम को कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बना के खाती हैं। जब ये खाना खा लेती है तो यही खाना बाकी घर के मेंबर्स जो होते हैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। जो 9th डे होता है उसे खरना का दिन कहते हैं। इस दिन भी व्रती महिलाएं पूरा दिन घर की साफ़ सफाई करती है, फास्ट रखती है और इवनिंग में लकड़ी का चूल्हा जला के उसमें गुड़ से बनी हुई जो खीर है वो बनाई जाती है और वो खाने के बाद ही व्रत स्टार्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खरना खाने के बाद ही छठी माइयाँ का आगमन हमारे घर में होता है। जो 3rd डे होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है, जिसे कि छठ का दिन कहा जाता है। ये 10th ऑफ नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत स्टार्ट कर देती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और छठ की तैयारी करती हैं, खाना बनाती हैं, शाम के वक्त नहा धो के नए कपड़े धारण करती हैं। घर के पुरुष और बाकी व्यक्ति भी उनके साथ नदी किनारे जाते हैं, नदी और तालाब में जाते हैं। तालाब में ही जाके या नदी में जाके सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद भी ये व्रत जो है कंटिन्यू होता है और अगले दिन यानी 7th तिथि को यानी 11th ऑफ नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रत समाप्ति होती है। उसी को पारण दिन भी माना जाता है। यह डे ये जो फास्ट होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट होता है। 36 आवर्स का ये फास्ट होता है। बिहार का ये सबसे डिफ़िकल्ट फास्ट माना जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और किसी को अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही होती है या संतान संबंधी प्रॉब्लम होते हैं, जिन दाम्पत्यों की लाइफ में संतान सुख नहीं हो रहा या बार बार अबॉर्शंस हो जा रहे हैं, उनको ये व्रत करने से उनकी लाइफ में संतान प्राप्ति की जाती है। जिनको हेल्थ रिगार्डिंग इशू है, कुष्ठ रोग से परेशान है, उनको भी ये व्रत रखने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। राजसत्ता से जुड़े लोगों के लिए भी ये व्रत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी भी आराम मिलता है। इस समय एक्चुअली जो कार्तिक महीना होता है इस समय सूर्य नीच के होते हैं। इस समय सूर्य जो है तुला राशि में है, सूर्य नीच के हैं, तो इस समय व्रत करने से सूर्य देव को का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य संबंधी भी फायदा मिलता है और सूर्य देव भी जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। आशा करती हूँ छठ मैया का आशीर्वाद आप सबको मिले, सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शुभ्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, जय माता दी।